सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज अब अपने सबसे रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस सीरीज के पहले 2 मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दिया था, परंतु हाल ही में 8 मार्च को महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में खेले गए इस सीरीज के 3रे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जोरदार पलटवार करते हुए भारतीय टीम को बुरी तरीके से उस मुकाबले में हरा दिया। आपको बता दें के इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत ही काफी अच्छी रही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज एरन फिंच और उस्मान ख्वाजाई 90-90 रन अपनी पारी में लगा चुके थे और खराब गेंदबाजी और मिसफील्डिंग के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा इस मुकाबले में 314 रनों का विशाल लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत से ही अच्छी नहीं रही क्योंकि काफी लंबे अरसे से फ्लॉप चल रही भारतीय टीम की सलामी जोड़ी यानी कि शिखर धवन और रोहित शर्मा इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए। आपको बता दें कि शिखर धवन जहां 1 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं रोहित शर्मा भी अपनी पारी में केवल 14 रन ही लगा सके। ऐसे में बल्लेबाजी का दारोमदार अब आ गया था विराट कोहली के कंधों पर, जिन्होंने एक शतक की पारी तो खेली लेकिन फिर उसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब दोनों ही टीमों के दर्शकों की निगाहें जल्दी होने वाले 4थे वनडे पर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीरीज का 4था वनडे मुकाबला 10 मार्च को मोहाली के स्टेडियम में खेला जाना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यह मुकाबला हर बार की तरह दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसे आप लाइव देख सकते हैं हॉटस्टार के एप्लीकेशन पर, या फिर अगर आप टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं तो आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं। यह मुकाबला अपने आप में ही इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर भारतीय टीम जीतती है तो वह सीरीज को अपने नाम कर लेगी, वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो वह सीरीज में अपनी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर देगी। साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम में कुछ कड़े बदलाव होने तो संभव है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारतीय टीम के कूल कैप्टन के नाम से जाने जाने वाले अनुभवी खिलाड़ी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी अब आपको 4थे और 5वें वनडे में भी भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखेंगे। वहीं अब 4थे वनडे मुकाबले में आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि शिखर धवन जो कि लगातार फ्लॉप चल रहे हैं उनकी जगह टीम में केएल राहुल को जगह दी जा सकती है। साथ ही मोहम्मद शमी की जगह तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार तो वहीं अंबती रायडू की जगह टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर गेंदबाज को भी शामिल किया जा सकता है जो कि हो सकते हैं युजवेंद्र चहल के रूप में। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 3रे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव पूरी तरीके से कारगर साबित हुए थे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के चयनकर्ता या फिर कप्तान विराट कोहली 4थे वनडे में युजवेंद्र चहल को एक मौका जरूर दे सकते हैं। तो चलिए अब आपको बड़े बदलावों के साथ बता देते हैं कि 4थे वनडे मुकाबले के लिए क्या होगी भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11। तो इस बार आपको भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा व केएल राहुल। इसके बाद अब मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, केदार जाधव, ऋषभ पंत व विजय शंकर। साथ ही टीम में एक और ऑलराउंडर व स्पिनर गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा और टीम में 2 स्पिनर गेंदबाज रहेंगे युजवेंद्र चहल व कुलदीप यादव। साथ ही इस बार तेज गेंदबाजी का मोर्चा रहेगा भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के अनुभवी हाथों में। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार हो सकती है 4थे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले इस 4थे वनडे मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।